Hi guys, I'm very sad and I'm very shocked about Bharti and Harsh. कितने सालों से मैं उन्हें जानती हूँ. मैंने कभी नहीं सोचा था कि ड्रग्स का मामला होगा. मुझे सिर्फ इतना पता था कि थोड़ा सा चरस गांजा लेते हैं तो कॉमेडी खुल के निकल के आती है. इतना सुना तो था मैंने, बट मुझे नहीं पता था कि उसकी आदत बन जाएगी. आई एम वेरी शॉक्ड अबाउट इट. कभी कभी शूटिंग 16 घंटा 24 घंटे रहता है, एपिसोड्स दिन में पूरे करने पड़ते हैं, तो स्ट्रेस रहता है. मैं मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई. आई एम शॉक अबाउट भारती. मैं भारती मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं उसके लिए दुआ ही कर सकती हूँ कि उन्हें एक माफ कर दिया जाए. मुझे नहीं पता मुझे क्या बोलना चाहिए इस बात पर. आई एम रियली अपसेट कि बॉलीवुड का नाम आया है. भारती और हर्ष के बारे में तो मैं लिटरली मतलब सोच भी नहीं सकती थी. कोई और समझ में आ सकता था, लेकिन आई एम वेरी सैड, आई एम वेरी शॉक्ड. ईश्वर उन्हें क्षमा करे, वो एक नई जिंदगी शुरू करे, सबको सद्बुद्धि मिले कि ड्रग्स ये सब बेकार चीज़ें हैं दोस्त. वर्कआउट करो, स्ट्रेंथ बनाओ. ड्रग्स बहुत बुरी चीज़ है दोस्त, किसी भी टाइप का ड्रग्स. नशा ही करना है. जिम का करो, पढ़ाई का करो, नेता बनने का करो, आर्टिस्ट बनने का करो, अच्छे इंसान बनने का करो, ईश्वर को प्यार करने का करो. अच्छी अच्छी चीज़ों में भी नशा कर सकते हैं दोस्तों, गंदे नशे नहीं करने हैं. ये सब शैतान के कार्य हैं दोस्तों. हमें किसी भी टाइप का नशा, चाहे शराब हो, चाहे कोई भी ड्रग्स हो, नहीं करना चाहिए दोस्तों. मैं तो उन लोगों के लिए प्रे ही कर सकती हूँ कि उन्हें सद्बुद्धि मिले और ये ड्रग्स की आदतें छोड़ जाए. आई एम शॉक्ड, आई एम लिटरली शॉक्ड. बॉलीवुड का नाम आता है तो मेरा कलेजा फट जाता है. बहुत तकलीफ हो रही है मुझे आज, बहुत ज़्यादा.